टू दी चैनल दी ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम लोग फिर से एक ट्रिप पे निकल रहे हैं और यहाँ से है 6 आवर ड्राइव दोस्तों। तो हम लोग कहाँ जाएंगे आप लोग गेस कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर, रात में रुकेंगे। और जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं ट्रिप में, तो वहीं पे हम लोग सुबह ही घूमने के लिए निकलेंगे। तो अभी तो 3 बज गए हैं दोपहर के, हम लोग अभी निकले हैं, जस्ट 20 मिनट्स हुआ। तो पहुँचते पहुँचते करीबन 9 बज जाएगा रात में। तो बीच में कहीं पे खाएंगे। अंकिता तो खाना वाना बना के ले आई है पूरा आइटम। तो मैं क्या क्या लाई हूँ आप लोग थोड़ा देख लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग का खाना रेडी है और ये सब हम लोग लेके जाने वाले हैं। और ये सब्जी है, ये रोटी है और ये ब्लूबेरी रस्ते में खाएंगे। और यहाँ पे मैं कुछ चिप्स वगैरह डाल दी हूँ और स्प्राइट चिप्स, यहाँ पे मैं चिप्स स्प्राइट ये सब प्रोटीन बार ये सब डाल दी हूँ। तो जल्दी से पैक करके जल्दी से निकलते हैं। तो इसमें सारा कुछ भर गया है और हम लोग का खाना पीना सब इसमें हो गया है, तो इसे लेके अभी निकलेंगे। और 6 घंटे का ड्राइव है दोस्तों, तो चलते हैं धीरे धीरे, आराम से चलेंगे। मैं तो बीच में सो जाऊंगी लग रहा है, बहुत दूर है, बहुत दूर। और यूएस में ड्राइव करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि रोड बहुत स्मूथ रहता है, तो बहुत ही पूरा बटर स्मूथ। हाँ, इंडिया में खाली गड्ढा वगैरह ये सब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं सारे लोग। और जितना भी रूल्स रहता है यहाँ पे सारे लोग फॉलो करते हैं उसे। सब कचरा वगैरह सब डस्टबिन में डालते हैं, ये सब वेल मेंटेन रहता है, इसलिए पूरा साफ रहता है। लेकिन इंडिया में कौन मानता है, कोई मानता नहीं है। उसका भी जिम्मेदारी रहता है, सब सरकार का जिम्मेदारी नहीं, खुद का भी जिम्मेदारी रहता है। तो हर कोई खुद का जिम्मेदारी अगर समझ लेगा तो इंडिया भी बहुत तरक्की करेगा। दोस्तों, 3 घंटा ड्राइव करने के बाद एक रेस्ट एरिया में हम लोग रुके हैं। अभी थोड़ा जाके कॉफी लेते हैं और फिर और 2 घंटा ड्राइव है दोस्तों, फिर चलेंगे। नींद लग गया है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रुक रहे हैं। हम लोग एक रेस्ट एरिया में आए हैं अभी और वहाँ से कॉफ़ी वॉफी पिए और अभी फिर से निकलेंगे और 2 घंटा के आसपास है। उसके बाद फिर फ्रेंड के घर पे रात में सो जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह एक नए जगह के साथ, एक नए दिन के साथ, नए लोगों के साथ। नहीं, नए लोग नहीं है, वो लोग आप लोग देख चुके हैं उन्हें, और वीडियो में आगे आप लोगों को पता चलेगा कौन है, किसके घर जा रहे हैं। तो और 2 घंटा ड्राइव है, चलो चलते हैं। कॉफी तो पी लिए, अभी तो नींद खुल गया होगा, अभी ठीक है, चलते हैं। अभी देख सकते हैं हम लोग अभी जो जा रहे हैं ना, यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे से रास्ता गया है टनल के थ्रू से, और उसी टनल के अंदर हम लोग अभी जाएंगे, आप दूर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये देख रहे हैं आगे ये पहाड़, और पहाड़ के नीचे से टनल गया है और हम लोग ये टनल के थ्रू से जाएंगे अभी।
ये देखिए हम लोग अभी टनल में घुसे और ये पूरा पहाड़ के पूरा नीचे हम लोग यहाँ पे, ये रास्ते में बहुत सारा टनल है दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों कल रात में हम लोग पहुँचे तो वीडियो और शूट नहीं कर पाए। और दोस्तों आज पता है आप लोग को, हम एक नया जगह में पहुँच गए हैं और वो जगह का नाम है बोस्टन। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स बोस्टन देखने के लिए। बहुत पुराना सिटी है और बहुत सारे यहाँ पे हिस्ट्री प्लेसेस हैं जो कि हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये US का बहुत ही एंशियंट सिटी है दोस्तों, और जब फ्रीडम हो रहा था US का तब से ये सिटी बना हुआ है। तो आपको दिखाते हैं बोस्टन में क्या क्या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और क्या क्या हेरिटेज बिल्डिंग सब हैं, वो सब आपको दिखाते हैं चल के बोस्टन डाउनटाउन में। और कल तो हम लोग जो आए थे पार्किंग का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, और क्योंकि मेरा फ्रेंड इधर जो है और उनके घर पे एक पार्किंग लॉट हम लोग पास ले लिए थे तो उसका पार्किंग मिल गया हमको। बट यूजुअली बहुत ही दिक्कत होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। थोड़ा सा दिखा देते हैं ये एरिया कैसा है और फिर मिलते हैं वहाँ पे। बोस्टन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT। तो मेरे जो सामने दिख रहा है ये बिल्डिंग और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है दोस्तों। और अभी हम लोग बोस्टन कॉमन जाने वाले हैं तो इसीलिए हम लोग ट्रेन का वेट किए हैं और अभी हम लोग स्टेशन में हैं तो फिर वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों ये जो बोस्टन सबवे सिस्टम है इसको यहाँ पे T बोलते हैं। ये सबसे इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। दोस्तों ये जो बोस्टन का सबवे सिस्टम है ये 1897 से यहाँ पे है और ये US का सबसे ओल्डेस्ट सबवे सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए एक कार्ड रहता है जिसका नाम है चार्ली कार्ड और ये 24 आवर तक वैलिड रहता है जिसका प्राइस है $11। और आप इसको यूज़ करके बोस्टन में कहीं पे भी ट्रेन या बस में घूम सकते हैं। और दोस्तों ये जो मशीन दिख रहा है इसको कियोस्क बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करते ही चार्ली कार्ड यहाँ पे आके ड्रॉप होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा चार्ली कार्ड अभी निकलने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आगे हम लोग बोस्टन सिटी में क्या क्या एक्सप्लोर किए जानने के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।